हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है, एक कैसेट प्लेयर है बहुत ही पुराना। तो इस कैसेट प्लेयर में आज मैं आपको ब्लूटूथ इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से यहां पे आप ब्लूटूथ इंस्टॉल कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लूटूथ किट को ईजिली आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए, इस ब्लूटूथ के कनेक्शन जो है फ्रेंड, कुछ इस तरीके से है, बैटरी और इनपुट, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट करनी है और आउटपुट यहाँ पे लेफ्ट राइट की मदद से मिल जाएगी, और यहाँ पे जो है AUX चेक है। तो इन सारे कनेक्शन को आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और इसका कनेक्शन करेंगे फ्रेंड, और करके भी आपको दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए, आगे वीडियो में बने रहिएगा, तभी जाकर आप इसको समझ पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को कम्प्लीट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसका प्लेयर को मैंने खोल के रखा और बहुत सारा कनेक्शन को मैंने खोज लिया हूँ, और आपको भी बताऊँगा इस कनेक्शन को कैसे खोजना है और कैसे इसका कनेक्शन को करना है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको ओपन करते हैं और आपको करके दिखाते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे फ्रेंड 7805 आपको यूज करना होगा, उसका सर्किट डायग्राम आपको दिखाते हैं और इसका कनेक्शन में बताते हैं फ्रेंड। इनपुट यहाँ पे जो कि VEN लिखा हुआ, यहाँ पे इनपुट है, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट आपको देना है फ्रेंड। पहला नंबर पिन में और लास्ट वाला पिन में जो है, 3 नंबर पिन में आउटपुट मिल जाएगी। बीच वाला पिन जो है ग्राउंड है, जो कि भी आउट लिखा हुआ, वहाँ पे आउटपुट 5 वोल्ट मिलेगी फ्रेंड। तो चलिए, उसका भी कनेक्शन आपको करके दिखाएंगे। सिंपल सा डायग्राम है फ्रेंड, ये 7805 आपको मार्केट में 15 से 20 रुपये के अंदर में इजीली परचेज कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस कैसेट प्लेयर में इसको इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड। ब्लूटूथ किट आपको लेना कहीं नहीं मिल रहा, तो फ्रेंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर ब्लूटूथ किट को परचेज कर पाएंगे फ्रेंड बहुत ही ईजिली। तो चलिए फ्रेंड, बहुत ही लो कॉस्ट में अमेजन से परचेज कर सकते हैं फ्रेंड, अभी बहुत ही प्राइस कम हो चुका है पहले के मुकाबले में। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लूटूथ किट को यहीं पे कटिंग करके इंस्टॉल करेंगे। कटिंग करने में थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है फ्रेंड, फिलहाल मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कटिंग करने का। चाकू एक छोटा सा लेंगे, नॉर्मल थोड़ा सा बड़ा ही लें, मेरा बहुत ही छोटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर सोल्डिंग आयरन की मदद से हीट करेंगे, किसी की मदद से हीट करके इसको ईजिली काट पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कटिंग कर लेता हूँ फ्रेंड, उसके बाद आगे वीडियो को दिखाते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है कटिंग हो चुका है, और ब्लूटूथ किट को अब यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए, हमारा ये ब्लूटूथ किट है, इसका बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये ब्लूटूथ किट इजीली मार्केट में मिल जाएगा 110 रुपये या उससे भी लो प्राइस, उससे ज़्यादा प्राइस हो सकता है कहीं कहीं। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लूटूथ किट को, जैसे कि ये वायर है, यहाँ पे आउटपुट के लिए वायर दिया हुआ, और ये आपका दिया हुआ 5 वोल्ट इनपुट। तो चलिए फ्रेंड, यही सारे वायर है और कोई वायर की कनेक्शन यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो चलिए, इजीली इस ब्लूटूथ किट को इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड, तो इजीली मार्केट में परचेज कर पाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे 7805 को इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड, उसके बाद ही 5 वोल्ट मुझे मिल जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पे काम बन जाएगा। आपको यहाँ पे चेक करना है 12 वोल्ट कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर मुझे 13 वोल्ट मिल रही है। इससे बड़े वाले कैपेसिटर, जो सबसे बड़ी कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर के बारे में नहीं पता तो नेट में सर्च कर सकते हैं कैपेसिटर, तो पता चल जाएगा कौन सा कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखा भी दूँगा, तो चलिए फिलहाल वहीं पे कनेक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बड़ी वाली कैपेसिटर जो दिख रही है ब्लू कलर की, उसी का नेगेटिव पॉइंट में बीच वाला पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, और पॉजिटिव पॉइंट 7805 नंबर का 7805 का पहला नंबर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए, इसको इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। एक रेगुलेटर IC है फ्रेंड, तो इस IC को 7805 इसको इजीली परचेज कर सकते हैं मार्केट से। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, जो कि साफ साफ आपको नहीं दिख रहा है, बट सर्किट डायग्राम में जिस तरह से उस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करना है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन बाकी है फ्रेंड, तो कनेक्ट कर लेते हैं पॉजिटिव वाली पॉइंट को, उसके बाद आपको चेक करके दिखाते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारा जो है 5 वोल्ट आ चुका है, आपका भी 5 वोल्ट आ जाएगा इजीली। 5 वोल्ट आने के बाद ही यहाँ पे ब्लूटूथ किट में पावर देनी है फ्रेंड, उससे पहले ब्लूटूथ किट को इंस्टॉल नहीं करनी है। तो चलिए, हमारा जो है 5 वोल्ट आ चुका है फ्रेंड। तो चलिए, यहाँ पे ब्लूटूथ किट के लिए 2 वायर को कनेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। तो
चलिए फ्रेंड, हमारा जो है ब्लूटूथ वायर के लिए कनेक्शन हो रही है। आप भी अपना कनेक्शन कर लीजिएगा 5 वोल्ट का इजीली। चलिए फ्रेंड, हमारा जो है कनेक्शन हो चुका है और हम यहाँ पे ब्लूटूथ किट को इंस्टॉल करके दिखाएंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे ब्लूटूथ किट को कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, लगा लेना है। और हमने तो पहले ही कटिंग कर लिया हूँ, आप भी कटिंग कर लीजिएगा, इजीली कटिंग कर पाएंगे फ्रेंड। थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया था, तो चलिए यहाँ पे इस ब्लूटूथ किट को इंस्टॉल कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है ब्लूटूथ किट यहाँ पे लग चुका है सही तरीके से। अब चलिए फ्रेंड, यहाँ पे 5 वोल्ट में ब्लूटूथ किट को पावर का कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड मैंने तार जोड़ी थी, बट यहाँ पे ब्लूटूथ किट का तार ही डायरेक्टली यहाँ पे लग जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्टली ही कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे 5 वोल्ट का कनेक्शन करते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, हमारा जो है 5 वोल्ट का कनेक्शन हो गया और अब जो हमारा ब्लूटूथ किट का पावर जो है ऑन हो गया होगा फ्रेंड, क्योंकि ब्लूटूथ किट जो है इजीली आप यहाँ पे क्लिप लगाते हैं, हमारा जो ब्लूटूथ किट ऑन हो जाएगा। माइनस प्लस देख के कनेक्शन करेंगे, अगर नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा हो जाता है तो आपका जो ब्लूटूथ किट ख़राब हो सकता है फ्रेंड, इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। तो चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पे चेक करेंगे ऑडियो का जो इनपुट कहाँ पे मिलेगी जिससे कि हमारा स्पीकर चल पाएगी। तो चलिए, 3 वायर है, बीच वाली वायर कॉमन होती है फ्रेंड, तो 2 वायर को लेफ्ट एंड राइट होती है फ्रेंड। तो 2 वायर को लेके यहाँ पे चेक करेंगे फ्रेंड कि कहाँ से मुझे ऑडियो मिल रही है इस कैसेट प्लेयर में। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, इस कैसेट प्लेयर में एक चीज़ है, वहीं से आवाज़ का सेंसिंग होती है फ्रेंड, जो कि सेंस करती है कैसेट प्लेयर में कैसेट की आवाज़ को। उसके बाद उसको फिल्टर करके ऑडियो को अच्छी तरीके से निकाला जाता है फ्रेंड। ये जो है वायर, ये वाली वायर, इसी वायर से यहाँ पे ऑडियो मिलती है फ्रेंड। तो इसी वायर से ऑडियो मिल रही है फ्रेंड। तो यहाँ पे ये वायर कहाँ पे गई हुई, उसी वायर में कनेक्ट करके देखेंगे फ्रेंड आवाज़ कैसी आ रही है। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं आ रही है तो वहीं के अगल बगल कनेक्शन में चेंज करके कनेक्शन को देखेंगे फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है ये सारे वायर में चेक किया हमने, तो आवाज़ तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम नज़र आई फ्रेंड, उतनी अच्छी आवाज़ नहीं मिल पाई। तो देखिए फ्रेंड, उतनी अच्छी आवाज़ क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से यहाँ पे मैंने फिर से कोशिश किया दूसरे जगह से कनेक्शन करने की। तो अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ पे हाथ रखेंगे, जिसके मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे हाथ रखेंगे वहाँ वहाँ से पता चलेगा कि आपका जो है साउंड कहाँ पे ये हो रही है और कहाँ पे क्या बोलते हैं उसको साउंड सेंस हो रही है और कहाँ पे अच्छी तरीके से सेंस ले रही है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे ऑडियो कनेक्ट करके देखते हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आवाज़ मिल रही है। हम मैं सेकंड साइड का बोर्ड का बात कर रहा हूँ, सेकंड साइड में वही बोर्ड है, उसी के सेकंड साइड में कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड, तो आपको भी कोशिश करना होगा। उसके बाद फ्रेंड आपका जो आवाज़ मिल जाएगी, उसके बाद जो है आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली इस ब्लूटूथ किट को इंस्टॉल करके इस कैसेट प्लेयर को चला सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हमने कनेक्शन को कर दिया हूँ इजीली यहाँ पे, और कुछ इसी तरीके से चेक करके यहाँ पे कनेक्शन करने आपका जो कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ है आपको ध्यान रखना, कैसेट प्लेयर का जो बटन है वो प्ले ही होना चाहिए, ऑन रहेगा तभी ये चीज़ को काम करेगी फ्रेंड, और अन्यथा नहीं काम करेगी। तो कैसेट प्लेयर को ऑन ही रखें। चलिए फ्रेंड, हमारा जो है काम कर रही है।
तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड सारे चीज को लगा देते हैं और आपको लास्ट में साउंड चेक करके दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड अब यहाँ पे साउंड टेस्ट।